हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रांश और आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में आज मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले को जो है इंग्लैंड की टीम ने 67 रनों से जीत लिया है। बता दें कि 7 मैचों की ये T20 सीरीज थी जिसमें से 3-3 से दोनों टीमें इस मुकाबले से पहले बराबरी पर थी और इसी वजह से ये मुकाबला काफी ज्यादा अहम भी हो जा रहा था, क्योंकि जो भी टीमें ये मैच जीतती वो सीरीज पर कब्जा जमा ली थी और उसमें इंग्लैंड कामयाब रहा। 67 रन से पाकिस्तान को हराकर उसी के घर में मुकाबला जीत लिया है। इस हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाबर आजम ने कहा है कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने बल्लेबाजी की वो कहते हैं लाजवाब था, शानदार था। 200 रन उन्होंने बोर्ड पर लगा दिए 200+, और जब आपके पास जो है लक्ष्य 200 से ज्यादा का हो तो आप हमेशा यही चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो, लेकिन एक अच्छी शुरुआत देने में हम नाकामयाब रहे, हम जल्दी आउट हो गए। रिजवान भी जल्दी आउट हो गया, इसके बाद बाकी के जो बल्लेबाज थे उन पर काफी ज्यादा दबाव आ गया जिसकी वजह से हमारी टीम जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। हैरी श्रॉफ ने बहुत आज अच्छी गेंदबाजी की और हर दिन जो है वो और बेहतर गेंदबाजी करते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हैरी श्रॉफ के लिए हैरी श्रॉफ हम लोगों के लिए एक सबसे ज्यादा इस सीरीज में पॉजिटिव जो है वो साबित हुए हैं। और उम्मीद हम यही करेंगे कि आगे भी हैरी श्रॉफ इसी तरीके से T20 विश्व कप में हम लोगों के लिए गेंदबाजी करे। साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम हमारे यहाँ पाकिस्तान आई, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम लोगों ने उन्हें होस्ट किया और इसी तरीके से आते रहे, ये बाबर आजम ने जो है अपने बयान में बोला है। और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कह ही दिया है कि हमारे बल्लेबाजों ने लेट इट डाउन किया, हम लोगों ने नीचा दिखाया अपनी टीम को, इससे सीख लेने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।